अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो जब घर में सबसे छोटे आखिरकार हैं क्रिकेट आ गई भी आना तो पड़ेगी, ऐसा नहीं, कैसे हो आप कहें सकता हम और बातें कर सकते हैं हम उनकी पर्सनल, अगर ये बात करना चाहें। नहीं, क्रिकेट पे ही है। नहीं नहीं, पब्लिक बहुत जानना चाहती है शाहीन शाह अफरीदी के सहरे के पूर कब कब खेल रहे हैं, कब शादी हो रही है, वैसे क्या सिलसिला है इस बारे में? इंशाल्लाह जल्दी जब सही वक्त आएगा तो इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। चलें फिर थोड़ी सी और क्रिकेट की बात रोकते हैं। लाला से कैसा रिलेशनशिप है? लाला से अच्छे है, फ्रेंडली है और मेरे लिए तो हीरो हैं। उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, उनको मेरे बड़े भाई को, दोनों को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, तो मेरे लिए हीरो है, फ्रेंडली रहते हैं। लाला से डांट पड़ती है? अभी तक तो नहीं पड़ी, अभी तक नहीं पड़ी। लाला एक बार हमारे शो में बहुत गुस्से में आ गए थे, लाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल T20 अच्छा जब वो शॉट्स पड़े थे। हाँ नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं यार अगर कैच छूट गया तो इसमें शाहीन का क्यों कुछ वो परेशान हो गया और वो चेहरा उतर गया उसका, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता, कैच तो छूटते हैं। लाला को मैंने पहली बार शो में गुस्से में देखा। नहीं बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वैसे उस मैच की, तो बहुत हो जाती है, बट लाला ने कहा है तो सही है। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा शाहीन, कब सोचा शाहीन ने कि शाहीन क्रिकेटर बनेगा? बिकॉज दो बड़े भाई तो आपके क्रिकेट में थे, मगर हम माशाल्लाह एक बात है कि हम सारे क्रिकेट खेलते हैं, सब खेलते हैं क्रिकेट, तो सबने ट्राई किया पाकिस्तान से। दूसरे भाई ने भी ग्रेड टू तक खेला है, आकाश भाई अभी भी स्टिल मलेशिया में खेलने गए हैं, तो वो बांग्लादेश लीग में भी गए हैं जो उनकी डोमेस्टिक होती है, दुबई वगैरह में भी खेलने गए हैं, तो अभी भी दो भाई स्टिल खेल रहे हैं। रियाज भाई तो अभी कोचिंग में आ गए, KBK में तो कोचिंग कर रहे हैं। सो शौक रियाज भाई को देख के ही हुआ, उनके साथ नेट्स वगैरह पे जाके और उनको देख के, जो एक्स क्रिकेटर है सारे आके पिशावर में, उनको देख के पहले तो खैर मैं वटा करता था, आगे सर यू पहनता था और मुझे पता नहीं था क्या करता हूँ, तो अभी रियाज भाई ने सिखाया, फिर स्कूल क्रिकेट काफ़ी खेली, उसके बाद ही एकदम मेरे भाई है पाँचवें भाई संदल अफरीदी, तो उन्होंने कहा कि यार ट्रायल पे जाना है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ट्रायल पे मैं क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा ट्रायल पे चलो, मैंने कहा मुझे कौन सेलेक्ट करेगा, इतने लोग आते हैं मैं कैसे जाऊँगा। और ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मैंने सिर्फ दो बॉल किए उस ट्रायल में, हमारे कोच थे सर साकिब फकीर, अभी KPK में भी U19 में, तो उन्होंने मुझे दो बॉलों पे सेलेक्ट कर दिया, मैंने सिर्फ दो बॉल किया था। अच्छा मैंने शाहीन, क्योंकि आपने बताया कि आप लोग सात भाई अच्छा, हैं, एक सेकंड उससे पहले जी, जी, जी। शाहीन आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी और सवेरा हमारा जूस गर्म हो जाएगा, बिल्कुल तो साथ 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 हम ये भी करते रहते हैं, ये आपने का बहुत, बहुत अच्छी बात जरूरी है, ईद के साथ साथ जो है ना ये इसका वो हो जाए, शशका होता रहे ईद का। तो खैर जब आपने बताया कि पांच भाई सात भाई हैं, तो मुझे याद आया कि हम राशिद खान से बात कर रहे थे, तो राशिद खान ने कहा कि मैं बनना बैटर चाहता था, बट क्योंकि छोटा था घर में तो बड़े भाई बैटिंग करते रहते थे और मुझसे बॉलिंग कराते रहते थे, इवेंचुअली इसलिए मैं बॉलर बन गया। आपकी भी वजह ये तो नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे पहले से बॉलिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और एक बात है कि स्कूल क्रिकेट में ना मुझे वो अलाउ नहीं करते थे क्योंकि हम दो भाई खेलते थे, तो उन्होंने कहा दो भाई खेलेंगे तो और लड़की कैसे खेलेंगे, तो मैं अपने भाई को बोलता था शान अफरीदी को कि भाई आपने फ्राइडे को नहीं जाना क्योंकि फ्राइडे को हमारे स्कूल की क्रिकेट होती है, तो मैं उसको बोलता था रात को ही कह देता कल आपने नहीं जाना क्योंकि मैंने मैच खेलना है, वो बेचारी की क्रिकेट मैंने खराब कर दी। स्कूल का जिक्र किया, पढ़ाई का शौक था? नहीं बिल्कुल नहीं, एलर्जी है। अच्छा एलर्जी है, ओके ठीक है, बस खत्म, सवाल बिल्कुल कलम तोड़ दिया इन्होंने, बस खत्म, चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमेशा से फास्ट बॉलिंग था जहन में कि नहीं जी मैंने फास्ट बॉलिंग की करानी है? इतना ऐसा जहन में तो नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी मैं इतनी सारी क्रिकेट खेल लूंगा, ये था बस क्रिकेटर बनूंगा जैसे मतलब नॉर्मल होते हैं, बट उसके बाद 16 के बाद ऐसे ही मतलब क्रिकेट में। लेकिन लाला को देख के अगर आप कहते हैं तो लाला देखें लेग स्पिन हुए और बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग करते थे, बैटिंग में बैटिंग आप उनके एक एक चक्के के लिए बैठता था कि कब मारेंगे कब मारेंगे, वो जब आउट भी होते थे 0 पे फिर भी मजा आता था क्योंकि फिर सारे क्राउड भी चला जाता, हम भी टीवी घर में बंद कर देते थे, खत्म। लाला ने हमें बताया था ना पिशावर में जो पहला मैच लाला ने खेला था उसमें पहली बॉल पे आउट हुए थे लाला, वो पब्लिक ने वहां पता, फिर लोगों ने बोला था कि आ जाओ वापस, फिर से वापस, ये अभी रेडी नहीं था फिर से वापस, बिल्कुल। सो जब शुरुआत हुई ठीक है जी U19, बट 2018 में आपने खेला, 2019 के बाद शाहीन शाह अफरीदी तब्दील हो गया बिल्कुल, कितना फर्क आया 2019? हमारी एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड कप से पहले,
तो आई थिंक उसमें मैंने काफी रन खाए थे। हर मैच में 70, 60, 80, एक में 80 खाया था मेरे खास से। तीन वनडे खेले थे कि चार खेले, और मुझे अभी भी आते। मैंने फखर को बोला था, मैंने कहा फखर अब बहुत मुश्किल लग रहा है मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, क्योंकि मेरी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आउट किए थे बट परफॉर्मेंस नहीं थी वो ऐसे कि टीम एक्सपेक्ट करे और वर्ल्ड कप में जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, उसमें भी गलत बॉलिंग की थी, विकेट काफ़ी अच्छी थी, पीछे पीछे बॉलिंग की थी। बट उसके बाद जब न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उसके बाद जो पुश मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद और मैंने शुरू की, फिटनेस पे काम करना शुरू कर दिया, तो और शौक बहुत हुआ क्रिकेट। तो वर्ल्ड कप में जो इंडिया के साथ हुआ मैच में, वो जो मोमेंट था, मेरे ख्याल से यार मैं पता है अभी ये बात कर रहा हूँ ना, मुझे अभी भी झुरझुरी आ रही है वो कसम से। यानी हम सोच नहीं सकते थे कि यार वो क्या, शाहीन जरा बताएं उन्हें ऐसा साथ, वो जरा जज्बात, वो हुआ क्या वो उस ओवर का? पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच में लोग इतनी हाइप बना लेते हैं, मतलब कुछ हो जाएगा कुछ भी, और हम सारे T20 में कभी इंडिया के खिलाफ खेले भी नहीं है। सिर्फ हफीज़ भाई, शुएब भाई खेले थे मेरे खास से, कोई भी नहीं खेला था, बाबर वगैरह, रिजवान। तो एक ये भी था कि कोई खेला भी नहीं है, और ऊपर से क्राउड भी इतना आता है इंडिया का कि मतलब कन्फ्यूज ही कर देता है बंदे। बट ये था कि बिलीव था ये लड़कों के एक दूसरे पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो 2021 काफ़ी अच्छा गया, तो सब लड़कों ने, अल्लाह पाक ने करवा दिया पर जो करना है। प्लान किया था कि यार ये बॉल इसको करनी है, इसकी वीकनेस है, यहाँ पकड़ना है इसको। वीकनेस देखे, प्लान तो होता है, जाहिर सी बात है, हर बैट्समैन के खिलाफ प्लान होता है, और कोशिश की थी, बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दे दिया। नींद आई थी उस मैच से पहले? मैं प्रॉपर सोता हूँ, जो भी मैच हो, क्लब का मैच भी हो, नींद तो आती है वैसे ही प्रॉपर, मतलब क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि भारत से खेलने से पहले, जब सेमीफाइनल हारे थे फिर नींद नहीं आई, हारने के बाद नींद नहीं आई थी, उससे पहले मतलब इंडिया से जो पहला मैच हुआ तो नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल था। ये बड़ी अच्छी बात है। बट कोई एक चीज, कोई एक टारगेट शाहीन शाह ने बनाया हो वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, इस बैटर को टारगेट करना है, इसको करना है, इसको करना है? हमारे ग्रुप में इंडिया भी थी, न्यूजीलैंड भी थी। टारगेट ये था कि मैंने कुछ अच्छा करना है पाकिस्तान के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी है। ये टारगेट नहीं था कि यार मैंने इस बैट्समैन को टारगेट करना है, जो भी था अपने बेस्ट करना है, और सिर्फ कोशिश की है। कोई ऐसा मैच शाहीन जो आप चाहते हो कि यार ये मैं भूल जाऊँ, मेरे दिमाग से ये वाला पार्ट जो है ना निकाल दो, ये इरेज हो जाए, आज भी होता हो कि यार ये बड़ा गलत हो गया इस मैच में? ऐसा मैच ये एक ही है वर्ल्ड कप का, इसी को ही कह सकते हैं, बाकी तो कोई ऐसा मैच नहीं हुआ। और ऐसा मैच जो आप कहते हैं कि PSL का भी था, PSL कौन सा? हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल रहे थे, और उस मैच में हमने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था, फिर आखिरी मैच में मूसा ने छक्के मार के जीता है, वो बड़ा हार्ड किया था मुझे उस मैच ने, क्योंकि हम काफ़ी सख्त वाले मैच को हम काफ़ी ईजी कर गए थे, फिर हम हार गए, तो आखिरी विकेट पर वो लोग जीत गए थे। खैर PSL की डिस्कशन पे अभी आएंगे, मगर उससे पहले